इंटरनेशनल एंड एक्सेल ट्रेनर। सो आज हम सीखेंगे कि लेट कमिंग या अर्ली आउट के एम्प्लॉयज को हमारे पास अगर बहुत बड़ी डाटा बेस है तो उसमें से कैसे फिल्टर कर सकते हैं, या हमारे पास अगर हमने कंट्री वाइज पीपल है हमारे पास काम कर रहे हैं तो हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री के पीपल को क्विकली फिल्टर करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट काउंट करते हैं कि लेट एम्प्लॉयज कौन कौन से हमारे पास। ये 9 बजे की टाइमिंग है, ठीक है, और ये जो बंदे लेट आए हैं वो हमारे पास फिल्टर हो जाएंगे अगर हम फिल्टर का फार्मूला यूज करते हैं। तो कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इक्वल, इक्वल के बाद हम फिल्टर एफ आई एल टी या फिल्टर टैब प्रेस करेंगे, टैब का बटन, तो ये आपका फिल्टर सेलेक्ट हो जाएगा। अब एरे, एरे से मुराद है कि हमने कौन सी वैल्यू लेकर आनी है। तो हम नाम चाह रहे हैं तो ये नेम वाली आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है, कॉमा प्रेस किया, उसके बाद इंक्लूड हमने लेट टाइम कहाँ से देखना है, तो ये हमारे पास लेट इन टाइम की रेंज है, इसको रेंज को सिलेक्ट करें, फिर आप कॉमा प्रेस करें, सॉरी कॉमा प्रेस नहीं, रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है, इससे हमने देखना है कि ये ग्रेटर देन हो 9 बजे से, ये हमारा क्राइटेरिया है 9 बजे का। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा टाइम है इसमें जो 9 बजे के बाद आए हैं वो लोग फिल्टर हो जाए, तो इसके ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें, ये ब्रैकेट बंद कर दी और एंटर प्रेस किया, ये हमारे पास जो लेट एम्प्लॉयज हैं वो शो हो गए हैं, ठीक है। ये जैसे कि बी देखता हूँ तो ये 9:15 पे आया, ठीक है, और सी 9:08 पे आया, जो लेट एम्प्लॉयज हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं। तो जो ही आप इसमें डाटा अपडेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर आपका अपडेट होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ 8:40 करता हूँ तो ये बी जो है वहां से रिमूव हो गया, ठीक है। अगर आर को देखना है तो इसको मैं अगर 9:10 का करता हूँ तो ये उधर अपडेट हो जाएगा। और ये जो आपका फार्मूला हमने अप्लाई किया है ये फार्मूला का टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने अर्ली आउट काउंट करना है तो उसमें इक्वल फिल्टर, ठीक है, उसके बाद यहाँ हम नेम सेलेक्ट करते हैं, ये नेम हमने देखने हैं, कॉमा, उसके बाद रेंज हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ से हमने अर्ली आउट काउंट करने हैं। पहले हमने किया था ग्रेटर देन और हम अब हम यहाँ करेंगे लेस देन, लेस देन, और हम उसका आउट टाइम जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास अर्ली आउट वाले सब लोग आ गए, क्योंकि 18 बजे की टाइमिंग है 6 बजे की, और जो लोग 6 बजे से पहले गए हैं वो हमारे पास, जैसे सी है ये पहले चला गया इसलिए शो हो रहा है, उसके बाद एफ है तो एफ ये देखें आपके पास पहले शो हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी कंट्री वाइज, ये मेरे पास कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री में कौन कौन से लोग हैं, मैं देखता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान के देखने, पाकिस्तान के बाद मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उसमें हम जाएंगे इक्वल फिल्टर, फिल्टर सेलेक्ट किया एरे, अब हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, नाम चाह रहे हैं तो नाम को सिलेक्ट करें, फिर कॉमा, उसके बाद हम कंट्री चाह रहे हैं, ये हमारे पास कंट्री नेम है, कंट्री वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने पहले वहां ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन अप्लाई की थी, अब हम चाह रहे हैं जो इक्वल हो, तो यहाँ इक्वल प्रेस करके इंडिया को सिलेक्ट करें, जो ऊपर हमारे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास इंडिया के 2 लोग हैं, जैसे कि इंडिया में एफ है और सी है। जैसे अब मैं यहाँ पीके करता हूँ तो पीके का अकॉर्डिंग यहाँ फिल्टर हो जाएंगे, पीके। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।